यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एविन लन। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने एविन लन के स्कूल से सारे के सारे मास्क पीसेस कलेक्ट करके फाइनली एक मास्क बना लिया था। तो आज का वाला जो एपिसोड है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और ये एविन लन सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। क्योंकि आज के इस एपिसोड के अंदर हम जितने भी स्कूल के अंदर बच्चे हैं जिसको एविन लन ने हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है, पहले तो उन बच्चों को ढूंढेंगे और उन्हें यहां से एस्केप करवाना है, वो भी बलून के थ्रू। मतलब कि हम अकेले एस्केप नहीं करने वाले, सबको लेके एस्केप करना है, सबको बचाना है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला एपिसोड, तो एंड तक जरूर देखना। फिलहाल अपनी गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर जो हमने मास्क पीस बनाया था शायद से उसे दोबारा एक्टिवेट करना पड़ सकता है। बट यार हां, लास्ट टाइम मैंने एक्टिवेट कर दिया था, दोबारा एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना डे वन जो है स्टार्ट हो गया। और भाई मेरे को ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है आज की, मेरे को ऐसा लग रहा है हो नहीं पाएगा, अगर होगा भी तो बहुत लंबा खिंचने वाला है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्राई कर देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस यार, फटाफट चलते हैं अभी स्कूल के अंदर और देखते हैं भाई हमें क्या क्या करना पड़ेगा यहां से एस्केप करने के लिए। तो भाई जो भी है ना, अपना जो मास्क है वो नीचे रखा था, सबसे पहले अपने मास्क को उठाकर देखते हैं भाई क्या होता है। उसे हमें ना पहले मेरे को लग रहा है ना एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो फटाफट से पहले चलकर उस मास्क को एक्टिवेट करते हैं और जब तक वो मास्क हमारे फेस पर रहेगा तब तक नन हमें पहचान नहीं पाएगी। और हमें सबसे पहले ना ग्रेल फाउंड करना पड़ेगा। यार मेरे को लगा था ग्रेल यहीं पर पड़ा होगा, लेकिन चलो यार पहले ना जल्दी से ग्रेल ढूंढ के आते हैं और इस मास्क को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। चलो भाई जल्दी से, मेरे हिसाब से ग्रेल ऊपर वाले फ्लोर पर ही होगा और ऊपर वाले फ्लोर से ना हमें एक्स्ट्रा लॉक्स भी खोलने हैं केबल लगाकर। जल्दी से चलते हैं भाई, इस टाइम पर कोई भी देर नहीं होनी चाहिए। और भाई कुछ भी कहो, बहुत ही खतरनाक होने वाला भाई आज का एपिसोड, क्योंकि हमें इन जितने भी बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ उन्हें ढूंढना है और फिर उन्हें यहाँ से एस्केप करवाना है। ओके, ग्रेल 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 कहाँ पर हो सकता है भाई, साउंड भी नहीं आ रहा वैसे ना, वो साउंड करते रहता है। ओके तो गाइस ग्रेल ये पड़ा और यहाँ पर मैं केबल भी ढूंढ लेता हूँ, केबल भी यहीं कहीं पर हो सकती है इसके अंदर। ओके तो हमें केबल भी मिल गई है, फटाफट से सबसे पहले मैं इस केबल को वहाँ पर लगाकर ये जो इलेक्ट्रिक पैनल होता है इसके अंदर केबल को लगा के इसे ऑन करता हूँ और इससे क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा लॉक्स होंगे ना डोर के वो खुल जाएंगे। अब फटाफट यहाँ से मैं इस ग्रेल को उठाता हूँ, इस ग्रेल को लेकर चलेंगे अपने रूम में। अब फटाफट चलते हैं नीचे, पहले सारे एक्स्ट्रा लॉक्स को मैं बटन दबा के अनलॉक करूंगा, मतलब कि जितने भी डोर्स हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे इस बटन से। चलो ये स्विच मैंने प्रेस कर दिया है। अब फटाफट इस ग्रेल को लेकर चलते हैं अपने सीक्रेट वाले रूम में और वहां पर इसे लगाकर अपने मास्क को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं बाकी बच्चों को इस नन ने कहां पर छुपा कर रखा है और हमें आगे क्या करना है। तो चलो गाइस, इस वुड प्लैंक को भी मैं यहां पर बंद कर देता हूं। अब चलते हैं भाई नीचे और देखते हैं क्या सीन है। अब यहां पर इसको मेरे को लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, इसी के साथ यहां पर हमने एक और ग्रेल को लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जो अपना मास्क है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस मास्क की जो स्पेशल पावर है वो कैसे यूज होगी, उसका क्या यूज है मेरे को वो देखना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस, अपना जो मास्क है वो एक्टिवेट हो रहा है और भाई सच्ची में अभी देखना कैसी इसके अंदर से रेज निकलेगी। भाई बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप का गेम है, मतलब कि सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप, हाँ भाई किस चीज की स्टोरी है। मुझे एक्टिवेट इतना टाइम क्या लग रहा है और ये क्या घूमता है यार, मैंने कभी नोटिस नहीं करा। और इसके अंदर ओ गाइस, ये तो मैंने कल देखा ही नहीं था भाई, ये कोई रास्ता है इसके अंदर जाकर देखते हैं हम, जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एक बच्चा सो रहा है नीचे, इस वाले में तो पता नहीं कुछ बेड्स लगे और इसके अंदर भी बच्चा सो रहा है, यानी बच्चे नीचे ही हैं। चलो चलो चलो, मतलब कि जितने बच्चों को इसने हिप्नोटाइज कर रखा हुआ है ना वो, ओ भाई यहाँ पर मैंने साउंड कर दिया और नन आती ही होगी। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नीचे कोई प्रेस कर रहा है और सबके मुंह पर वही वाला मास्क लगा हुआ है। और यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं बच्चे, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। अच्छा कुछ कुछ कपड़े धो रहे हैं। और यहाँ पर भाई क्या सीन है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा फिलहाल अभी तो, लेकिन साउंड हुआ है तो हो सकता है नन यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर कुछ वुड प्लैंक्स हैं और उनके नीचे सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, तो शायद से सिलेंडर उसी बलून में काम आने वाले हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर ये वाला डोर कहाँ को जा रहा है, ओके तो एक डोर ये है, नन आई क्या, मेरे को निकलना पड़ेगा। अबे नन यहाँ क्या कर रहे हैं, वो नन को मैंने फंसा दिया भाई, वाह क्या सही है, चल ऐसे ही अटके रह दूँ। और यहाँ पर ये वाला डोर किस चीज़ का है, ओके तो यहाँ पर कुछ पासवर्ड है, नन तो बताने नहीं वाली। और ये नन ऐसी अटके रहेगी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, हम आराम से सारा का सारा काम कर लेंगे भाई। और यहाँ पर भी कुछ दे रखा है और कुछ एक्स्ट्रा रूम्स हैं यहाँ पर जहाँ पर हम जा सकते हैं क्या, एक मिनट ये क्या है, तो इधर टॉयलेट, ओ इसके अंदर कोई बच्ची बैठी हुई जो रो रही है, अरे क्या हो गया, हेलो। तो यार यहाँ पर नन ने इसको मार मार के इसका बुरा हाल कर दिया, मतलब कि यार इन सब बच्चों को ना नन ने हिप्नोटाइज कर रखा है और इनसे ना फालतू के काम कराते हैं और इन्हें बचा कुचा खाना देती है, मतलब घटिया घटिया सा। अब ये बच्ची को ना कुछ मतलब पीछे पीछे जा रही है, जैसे हम इसे टच कर रहे हैं ना तो चल के जा रही है आगे को, देखते हैं यार पता नहीं शायद से इससे हमें कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाए। और यहाँ पर ये बच्चा को ना के अटक के हट बे, पता चल रहा है भैया कहीं अपने रूम में जा रही है शायद से, इसलिए मैं गेट खोलता हूँ और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके तो भाई क्या सीन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और पासवर्ड वो कहाँ पर मिलने वाला, सारे के सारे कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं। ओके
तो यार इसको पासवर्ड पता था, 8016 पासवर्ड है भाई साहब। चलो ये देखो भाई, किसी की हेल्प करने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। और अगर हम ये वाला मास्क लगा कर रखेंगे ना और इस एरिया में, तो हमें नन कुछ भी नहीं कहेगी। 8016 था ना पासवर्ड, मैं भूल गया शेट, दोबारा देख कर आऊँगा। ऐसे ही डाल कर देखते हैं एक बार, मेरे को पूरा, मैं इतनी जल्दी भूल गया, क्या हो रहा है। एक मिनट चेक करते हैं, क्या पता रॉन्ग हो। ओके तो पासवर्ड मेरे को याद था, 8016 पासवर्ड है। और अगर हम इस रूम से बाहर निकलेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो जो जिसके अंदर सिलेंडर पड़े थे उसको खोलने के लिए हमें क्रोबार चाहिए। तो फटाफट चल के सबसे पहले क्रोबार ढूंढते हैं, और एक और भी कुछ हो सकता है, चल के देखते हैं। और यहाँ पर नीचे चल कर देखते हैं, यहाँ पर बंच ऑफ की चाहिए इस डोर को खोलने के लिए, और बंच ऑफ की तो यहीं पर रहती है ना, इसे मैं ले लेता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पर रहती है बंच ऑफ की, और ये भाई डोरबेल का क्या करना है। ओके इफ़ यू कट दिस वायर द बेल विल स्टॉप वर्किंग। ओके तो गाइस हमें इस बेल को भी काटना है। अगर एक बार हम इस बेल को काट देंगे ना, तो जो दूसरी नन कपड़े लेने के लिए आती है, जब वो बेल बजाएगी ना, तो नन को पता ही नहीं चलेगा और नन नीचे ही नहीं आएगी। और अगर नन ने इन बच्चों को बाहर निकलते हुए देख लेना, तो ये मार देगी, जैसे कि अभी हम बाहर निकले हुए हैं। और अगर नन हमें देख लेगी तो मार देगी। लेकिन अगर हम उसी वाले रूम के अंदर रहेंगे ना, जहाँ पर ये सब बच्चों से काम करवाते हैं, तो नन हमें कुछ भी नहीं कहेगी। तो यहाँ पर अभी देखते हैं भाई, मतलब कुछ भी नहीं पड़ा इन कैबिनेट्स में, तो कुछ भी नहीं है भाई। यानी कि हमें उसे काटने के लिए सीजर चाहिए, सिलेंडर खोलने के लिए चाहिए क्रोबार, दो चीज़ों की अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। और इस वाले रूम का ओके तो बाथरूम है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा। ऊपर वाले फ्लोर पर देखना पड़ेगा मेरे को क्रोबार, अगर नीचे वाले फ्लोर पर नहीं है इन सब जगह पर, तो चांसेस है ऊपर वाले फ्लोर पर ही हो, क्योंकि अगर होता है ना तो नीचे वाले फ्लोर पर इधर ही होता है, और कोई जगह तो मेरे हिसाब से नहीं है। ओ भाई थोड़ा सा साउंड कर दिया मैंने, राइट वाले रूम में भी होता है यार, इधर देखते हैं एक बार, क्या पता इसे किसी ड्रॉर में मिल जाए। इस ड्रॉर को खोलते हैं, क्या पता इसके अंदर, तो चलो झाड़ू है, इसको मैंने खोल के चेक तो नहीं करा अभी तक, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। ओके तो गाइस हमें लॉकर कोड का कार्ड मिल गया है। ओके तो लॉकर कोड के कार्ड को उठा लेता हूं, यहां पर बंच ऑफ की ड्रॉप हुई है, तो यानी साउंड हुआ होगा। और क्रोबार भी गाइस यहीं पर पड़ा हुआ है, अपना सब कुछ काम हो जाएगा फटाफट। अरे भाई 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 मैं कहां से भागूं, एक सेकंड खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, भागो 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 भागो, नन आ रही है भाई, एक सेकंड। चलो तो भाई यहां पर नन एकदम फुल स्पीड में भागती हुई आ रही, लेकिन मैं सही टाइम पर वहां से एग्जिट हो गया। चलो चलो चलो, हाँ ये रहा डोर, इसके डोर के बाहर के अंदर वो होता है कैबिनेट राइट में होता है। ओके तो ये रहा वो कैबिनेट, और यहाँ पर हमें इसके अंदर से मिल गया सीजर। अब इस सीजर से सबसे पहले हमें वो डोरबेल काटनी है, और क्रोबार से ना नीचे वो सिलेंडर्स खोलने हैं, और देखते हैं भाई आगे क्या करना है, फटाफट पहले चल के उसको खोलते हैं। और हाँ यार, हमें लॉन्ड्री वैन वाले को कॉल करने के लिए वाला कार्ड भी चाहिए होगा, शिट यार वो कार्ड भी चाहिए। बट सबसे पहले मैं नीचे चल के डोरबेल काटता हूँ भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। चलो 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 चलो, और यहाँ पर वो वाली नन अभी आई भी नहीं है। ओके तो ये है डोरबेल, इसको हम कट कर देते हैं। चलो गाइस ये वाली तार हमने काट दिया है, और यहां पर कुछ भी काम की चीज नहीं पड़ी है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। ऊपर की तरफ में चलते हैं अभी फटाफट से, क्या दिक्कत है। तो अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया, और यहाँ पर हमने क्रोबार भी देखा था, तो क्रोबार को भी उठा के फटाफट निकलते हैं। और ये चिकन यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, चिकन डिनर बना दूंगा अभी, पबजी वाला। ये क्रोबार भी है मेरे पे, सर पे एक पड़ेगा, और नीचे जो तसला चल रहा है ना, इसके अंदर पक भी जाएगा अभी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ज़्यादा मजाक नहीं भाई, नन वरना गुस्सा हो जाएगी। ये देखो भाई टपक गई, मेरे को लग ही रहा था नन गुस्सा होने वाली है। अब फटाफट यार यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये डोर मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। चलो यार अभी चलते हैं नीचे की तरफ, और क्रोबार को लेकर चलते हैं अपने सीक्रेट वाले रूम में, वहाँ से एंटर होते हैं। अभी फटाफट इस क्रोबार को लेकर चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पर, और मेरे को ना नन का साउंड आ रहा है यार, कहीं पर तो है नन, मेरे को ऐसा लग रहा है, आसपास ही घूम रही है वो कहीं। तो सबसे पहले मैं नेल्स को खोल देता हूँ, साउंड हुआ भाई, मेरे को डर सा लग जाता भाई कभी कभार। ओके तो यहाँ पर मैंने प्लैंक्स खोल दिए, और सामने से ना मेरे को पता चलते रहेगा कि वो जो लॉन्ड्री वैन है वो अभी तक आई है या फिर नहीं आई है, और मेरे को वो कार्ड भी ढूंढना है लॉन्ड्री वैन वाला, और शायद से वो अंदर ही पड़ा हुआ है। ओके तो मुझे पता था यहाँ पर वो पड़े रहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो अभी हमें इस कार्ड को ले आके कॉल भी करनी है। लेकिन उससे पहले इस क्रोबार को मैं उस जगह पर रख कर आ जाता हूँ, तो मतलब कि जो सिलेंडर्स है ना उसे मैं अनलॉक कर देता हूँ भाई, क्योंकि उसका बाद में काम होने वाला है। फटाफट से इस वाले सीक्रेट रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं, और इस रूम के अंदर हमें एविलेंस से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर उसको लगता है कि हम भी हिप्नोटाइज हो रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग अभी तक हिप्नोटाइज नहीं है। अब फटाफट से स्क्रोबार से ना मैं ये वाले जो नेल्स हैं इन्हें खोल के, ये वाला जो वुड प्लैंक है इसको भी अनलॉक कर दूंगा, और यहाँ से भी हमें सिलेंडर्स जो हैं ये मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमें इस चीज़ का कोई भी काम नहीं है। तो फटाफट मैं इस क्रोबार को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, अब फटाफट यार यहाँ से निकलते हैं। वो जो हमें कार्ड मिला था ना, उस कार्ड से हमें उसे कॉल कर रहे हैं। चलो ये लॉन्ड्री डोर अभी भी नहीं खुलेगा क्या, इसको दबाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर इसे दबाकर मैंने खोल दिया, यानी कि अगर मैं दूसरी साइड से आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकता, कहाँ से टपक गई भाई। चलो गाइस अभी भाई हम काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, फटाफट से मेरे को पहले वो लॉन्ड्री वाला कार्ड उठाना है, और वो इधर वाले रूम में था। चलो अंदर चलते हैं इस वाले रूम के, अब ये वाला मैं कार्ड उठाता हूँ, और इस कार्ड को लेकर चलते हैं उसको फ़ोन मिला देते हैं, जो लॉन्ड्री वाली वैन वाली है उसको फ़ोन मिलाएंगे, और वो फटाफट से अपनी वैन को लेकर आएगी, और वहीं पर अपना सो जाएगी चुपचाप। वो बेल तो बजाएगी, लेकिन बेल की अगर हमने तार ही काट दिया तो बेल बजेगी नहीं, और उसको पता, उसको लगेगा कि हाँ भैया बेल बज गई होगी, नन आती होगी और नन नीचे नहीं आएगी। और पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर नन ने किसी बच्चे को देख लिया ना कि हाँ भाई वो रूम से बाहर निकला है,
तो उसे सीधा मार देगी। तो यानी कि जब बच्चे रूम से बाहर निकलेंगे ना, तो हमें नन को पूरा एकदम मतलब डिस्टर्ब करके रखना पड़ेगा, उसे स्कूल में घुमाते रहना है ताकि वो पूरी की पूरी कंफ्यूज रहे। तो गाइस अभी जो मेरा मास्क सीढ़ी पर ड्रॉप हुआ था ना, उसको भी मैंने फटाफट से उठा लिया है। और भाई सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई ये विलन, बिल्कुल जरा सा देखते ही वो यहाँ पर पहुँचाते हैं। और ये नीचे क्या कर रही है, खड़ी हो गई, आ जा ऊपर आ ऊपर आ, तेरी ऐसे की तैसे दिमाग खराब करे जा रही है भाई साहब, कभी भी भाग के आ जाती है। तो भाई जैसे तैसे करके हमने मास्क उठा लिया है। अब इस मास्क को लेकर ना हमें उस सीक्रेट एजेंट के पास जाना जो कि नीचे होता है भाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है नन यार। इस डोर को मैं पहले बंद करता हूँ, यहाँ से मैं नीचे निकल लेता हूँ। और अभी नीचे चलकर मैं आपको एक मस्त सीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ना, ये दूसरी वाली नन है जो कि यहाँ पर कपड़े लेने आती है। और यहाँ पर ये अपने ना फुल मजे में सो रही है बहुत आराम से, और इसको भी कुछ भी नहीं पता कि नन यहाँ पर नीचे आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमने डोर की बेली काट दी है और ये सोच रही होगी नन यहाँ पर नीचे आने वाली है। तो ये जो आप सामने एक छोटा सा रूम देख पा रहे हो ना, ये उसी बंदे का रूम है जो कि यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट है। तो यहाँ पर हमें से बात करनी पड़ेगी। ओके, तो ये कह रहा है कि अंदर आ जाओ। ओके, तो अंदर का डोर ये, ओ भाई पहले हमेशा ये डोर ब्लॉक दिखाता था, अब फटाफट ये वाला डोर जो है खुल चुका है। तो हेलो सर, इसका नाम है मिस्टीरियस मैन। ओके, इट्स टाइम टू सेव ऑल द चिल्ड्रंस फ्रॉम द लॉन्ड्री, होप यू आर रेडी। भाई मैं तो पूरा रेडी हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। टेक द ब्लू प्रिंट्स फ्रॉम माई टेबल एंड गिव देम टू द चाइल्ड दैट नोज। ओके, तो अभी हमें ना यहाँ पर ये जो इसने ब्लू प्रिंट रखे हैं और उस बंदे को देने हैं जो कि इस ब्लू प्रिंट को देख के समझ जाए कौन से ब्लू प्रिंट है। और यहाँ पर इसमें ना कुछ बलून टाइप बना हुआ है, और इसमें ना पूरे का पूरा प्रोसेस बता रखा है भाई। फायर है और क्या क्या, फ्यूल टैंक, फायर। तो फ्यूल टैंक हमें पता है कहाँ पर है, और फायर, फायर भी लानी पड़ेगी, तीन चीज़ें हैं भाई। तो ये लेकिन कहाँ से मिलेगा यार, फैब्रिक्स कहाँ से मिलेंगे वो ढूंढना पड़ेगा। चलो अभी पहले ना इसको देकर आते हैं भाई उस बंदे को। और ये गेट तो खोल दे मेरे भाई, मैं बाहर कैसे जाऊँगा। ओके, तो गेट इसने यहाँ पर अभी हमारे लिए खोल दिया, और सारा का सारा हो चुका है भाई। ओके, तो इसने हमें बताया ट्रू पावर ऑफ द मास्क, जैसे। ओके, तो गाइस ये हमें कह रहा है कि अभी आपको मास्क की ट्रू पावर नहीं पता थी, और अब आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ। ओ भाई यहाँ पर हम पूरे को पूरे टेलीपोर्ट हो सकते हैं इस तरीके से। भाई वाओ क्या पावर है, मतलब कि यार नन को पता भी नहीं चलने वाला कि हम कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक सेकेंड, ओ भाई साहब, भाई 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 ये चीज़ तो एकदम मस्त बताई है यहाँ पर। अभी ये जो है हमें किसे देना है ब्लू प्रिंट्स, मेरे को वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा ऐसा बच्चा है जो इस चीज़ को समझ सकता है, एक बारी अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा है क्या, हेलो बच्चों, यहाँ पर ये तो अपना सोने में मस्त है यार, ये कहाँ से समझने वाले हैं इसको। और यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े सूख रहे हैं, फैंस लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा यार। यहाँ पर एक ये हॉल जा रहा है अंदर, इसके अंदर हम जा नहीं सकते, अंदर बाथरूम में भी कोई नहीं है। ओ भाई यहाँ पर कुछ तो है, एकदम कपड़ा, ओ अंदर कुछ है भाई। ये बच्चा कोई बैठा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार लग रहा है, और एकदम चश्मा वश्मा लगाकर बैठा है। इसको देते हैं, हाँ इसी को देने हैं ब्लू प्रिंट्स। यू हैव गिवन द प्लान्स ऑफ द चाइल्ड्स विद द ब्लू हैंड्स टू गेट क्राफ्टर बॉय। ओके, तो यहाँ पर ये सिक्के, अरे ये तो सिक्के पड़े। और ये जो बच्चा है ना समझदार सा लग रहा है, और ये देखते हैं बाहर करने क्या गया है। ओके, तो गाइस ये ना भी यहाँ पर सारे बच्चों को बाहर जाने के लिए बोल रहा है, और सारे बच्चे लाइन से बाहर जा रहे हैं। और यही टाइम है, अगर ये बाहर जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यही टाइम है मेरे को ना ऊपर जाना है, और नन को ना पूरा का पूरा कन्फ्यूज़ करके रखना है ताकि वो नीचे वाले फ्लोर पर ना जाए। अगर नन नीचे वाले फ्लोर पर गई तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ना कोई सामान उठा लेता हूँ ताकि नन मेरे पास ही आकर बिजी रहे। नन इधर आजा, जल्दी से नीचे मत जाइयो प्लीज़, इस टाइम पर नीचे मत जाइयो। अगर वो नीचे गई ना भाई, बच्चे मर जाएंगे भाई, बच्चों को जाके अपना हथौड़ा मार देगी जैसे हमें मारती। आजा 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 नन प्लीज़, इधर आजा मेरे पास आजा भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे नन मेरे पास आएगी। ओ आगे आगे आगे, नन इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं आज पूरे स्कूल के चक्कर लगवाऊंगा, एक भी बच्चे को ना हाथ मत लगा दियो। और ये है वो, इससे साउंड करके हम नन को बुला सकते हैं। इधर आ मेरे पीछे पीछे आ, इसको अपने पीछे पीछे रखेंगे। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो थोड़ा सा धुआं हुआ अभी सूंघते हुए आओ भाई, एकदम फुल फायर एक्सटिंग्विशर का। तो गाइस अभी यहाँ पर ना मैंने नन को बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा हुआ पूरा का पूरा। और अब फटाफट से ना मेरे को उस जगह पर जाना है जहाँ पर एक बच्ची वो नहीं थी, मतलब कि जिसकी टेढ़ी सी गर्दन थी। तो यार हमें ना उस बच्ची की हेल्प करनी है ताकि वो यहाँ से निकल पाए, क्योंकि उसको दिमागी प्रॉब्लम भी होगी उसे कोई। अब फटाफट से ना मैं काम करता हूँ, इधर साउंड करता हूँ और नीचे निकल लेता हूँ जल्दी से। अब मेरे को उस बच्ची के पास मैं कैसे पहुँचूंगा यार, इस डोर से जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वो मैं खुद ही अटक गया, वेट 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 एक सेकेंड, नन आती होगी भाई, भागो 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 भागो, बस नन मेरे को देखे ना। और हमें, मेरे को लग रहा है ना काफ़ी टाइम मिल गया, हम जा सकते हैं यहाँ से। मैंने तो बहुत देर तक कंफ्यूज करके रखा था, अगर अब कोई दिक्कत हुई ना तो भाई सच्ची बता रहा हूँ, फिर तो एक टाइप से इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा भाई इसे करना। बाकी तो बहुत देर तक मैंने इसे कन्फ्यूज करा था। अब फटाफट, ओ ये लोक नहीं हुआ, लोको 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 भाई, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पे। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी एक्स्ट्रा पावर यूज़ करते करते चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी अपनी अपनी मतलब जगह पर पहुँचे। फटाफट इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं सीधा यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। चलो भाई नीचे वाले फ्लोर पर आ गए सीधा। अभी यहाँ पर वो बच्चा कहाँ पर है मेरे को उसे देखना पड़ेगा। अगर मैं उसे सीधा उठा के फेंक दूँ इसी चीज़ से, ये एक बाथरूम है, ये रही, मुझे पता था भाई ये रोते ही रहती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो गया। चल 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 भाई, यार ये तो चल ही नहीं पा रही है ढंग से, शिट यार, जल्दी आ जा प्लीज़ प्लीज़, चल ले यार,
चल 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 चलती क्यों नहीं है? अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा यार, ये नहीं आ पाएगी। और नन ने इसे देखा तो कन्फर्म उसे मार देगी भाई। यार शिट यार, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है यहाँ से चलने में। अगर ऐसी ये धीरे धीरे जाएगी ना इतनी देर में, तो नन हमें आके मार देगी। वैसे तो मैंने नन को ऊपर वाले फ्लोर पर काफ़ी देर तक कंफ्यूज करके रखा था, जल्दी चल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी आगे तक हम पहुँच चुके हैं, बस अभी हम यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं, बस नन ना आ जाए। यार मेरे पास ना कोई ऐसा हथियार भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा टूल नहीं है जिससे मैं नन को यार डैमेज पहुँचा सकूँ। अभी रुक मत इस टाइम भाई, पहुँचने वाले हम। और ये सामने वैन किसने लगा दी? ओके, तो ये सामने शायद से उसी डिटेक्टिव ने वैन लगाई है। तो ये बाकी बच्चों को वैन में लेके निकलेगा, बलून में लेके निकलेगा? भाई प्लान तो इसने बलून का बनाने के लिए दिया था। ओके, तो इसने ऐसा इसलिए करा है ताकि जो ओके मैं समझ गया, इसने ऐसा इसलिए करा है ना ताकि अब नन ना बाकी बच्चों के पास ना पहुंच पाए। सारे बच्चे उस साइड चले गए हैं मेरे हिसाब से। जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ओके गाइस, अभी मैंने इस बच्ची को लेकर यहां पर पहुंच चुका हूं। चल चल चल, अबे गाड़ी हटा भाई, गाड़ी हटा। किसने लगाई है गाड़ी? यार गाड़ी हटा। ओके यहां पर गाड़ी हट गई और नन अभी तक आई नहीं। फटाफट अंदर चलो गाइस, अभी सब कुछ हो गया है, अब बस हमें क्या करना है यहां पर एक बार। ओके गाइस, इन्होंने बलून का भी यहां पर जुगाड़ कर दिया। गाड़ी वापस से आगे कर दे भाई, इसको और आगे लेके जाना है क्या? चल चल चल, और आगे चल और आगे चल। अगर ये गाड़ी वापस से आगे कर देगा ना तो बहुत सही रहेगा, नन यहाँ पर हमारे पास तक नहीं पहुँच पाएगी। और ये क्या कर रहे हैं? ओके, तो इन लोग को ये चीज़ बनानी आती है भाई, ये बहुत सही काम हो गया। यहाँ पर ना इन बच्चों को एक टाइप से ना सिलाई विलाई करनी आती थी, और इन्होंने बाकी जो कपड़े थे ना उन सबका यूज़ करके इतना बड़ा बलून बना दिया। भाई इस बेचारे का एक पैर नहीं है, बताओ। कोई बात नहीं, अभी फटाफट यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, अब हमें यहाँ से बस निकलना है। यानी कि हमें करना क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, बलून उड़े। ओए बलून भाई, बलून में हवा आई शायद। ओके यानी बलून जो है चारों साइड से पूरा बंद हो चुका है, और हमें इस बलून के अंदर अभी क्या करना है, एक मिनट। तो यहाँ पर अभी यू नीड द प्लेस अ सेवरल फ्यूल टैंक्स हियर। ओके, तो गाइस अभी हमें कुछ भी नहीं करना, जो नीचे फ्यूल टैंक्स है ना उसको हमें इसके अंदर ला कर डालना है। लेकिन यार इसने तो वैन लगा दिया, यानी कि अब जितने भी बच्चे सारे के सारे सेफ हो गए हैं। अब फटाफट ना यहाँ से निकलते हैं, लेकिन मैं इसके उस पार कैसे जाऊँगा? हेलो, मैं उस पार कैसे जाऊँगा इसके? एक सेकेंड, इस तरीके से मैं उस पार जा सकता हूँ ना? हाँ, तो हमें इसीलिए मिला था, हम इस तरीके से इसके उस पार जा सकते हैं। तो गाइस अभी मैं इस पार आ गया हूँ, अब मेरे को फटाफट से अपने वाले रूम में जाना है, मतलब कि जो सीक्रेट वाला रूम था ना उसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, अपना सारा का सारा सामान। ओके, तो गाइस यहाँ पर अभी हमें फ्यूल टैंक मिल चुका है, फटाफट से इस फ्यूल टैंक को लेकर चलते हैं। अब फटाफट से ना इसको मास्क को मैंने ऑफ कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर जितने बच्चे सारे अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, बेचारों को पता नहीं क्या ही दिमागी प्रॉब्लम हो गई होगी, पता नहीं कैसे इसने हिप्नोटाइज करा है। अब यहाँ पर फटाफट से इसके अंदर हमने एक तो डाल दिया है, और अभी हमें इसके अंदर एक और डालना है फ्यूल टैंक, और इसके अंदर ना हमें मतलब कि आग भी लगानी पड़ेगी। यार चलो कोई नहीं, आग मेरे को पता है कैसे लगेगी। चलो भाई यहाँ पर भी उस पार चलते हैं, और नन ना आ जाए भाई बस। अगर नन आ गई तो गड़बड़ हो सकती है, और ये नन मेरे पीछे पीछे आ रही थी भाई। तो एक सिलेंडर तो हमने कर दिया, अभी मैं दोबारा से दूसरा वाला सिलेंडर लेने आया हूँ। अगर नन देखेगी ना इस जगह पर बच्चे कहाँ चले गए, तो भाई वो सच्ची में गड़बड़ कर सकती है भाई इस टाइम पर भी। लेकिन हमने वहाँ पर अगर वैन लगा दिया तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई भी दिक्कत अभी हमें होने नहीं वाली। और कोड यहाँ पर तो डला हुआ है, फटाफट से दोबारा से कोड डालने की जरूरत नहीं है, इसको लॉक को खोलते हैं। अब जल्दी से चल कर देखते हैं नन है तो नीना सामने। ओके, तो नन है सामने, लेकिन वो मैं देख नहीं सकती, मेरे को जल्दी से जाना है उस पार। और ये मेरा मास्क काम नहीं कर रहा, मास्क का वो शो नहीं हो रही पावर। ओ शिट 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 शिट, भागो भाई, भागो भागो भागो, मैं कैसे करूंगा भाई। नन आ रही है वापस से। ओके हो गया। यहाँ पर अभी हम पूरा का पूरा जितना भी काम था सारा कर चुके, और जो अपने मास्क की पावर है ना वो भी खत्म होने वाली है। अभी हमने यहाँ पर दूसरा सिलेंडर भी लाकर लगा दिया, और नन ना यार बार बार ही उधर ही घूम रही है। अब बस हमें इसके अंदर लाके आग लगानी है, ताकि ये जो जितने भी सिलेंडर्स हमने लगाए हैं फ्यूल टैंक, ये इसके अंदर आग लग जाए, और इसके अंदर बलून में गैस भरना शुरू हो, और बलून उड़ जाए। तो यहाँ से मैंने लकड़ी उठाई, और इस लकड़ी को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, और अब इतनी देर में तो आग लगी गई होगी। चलो भाई, हाँ आग लग गई है, अब फटाफट ना यहाँ से नीचे निकल लेते हैं। और भाई जल्दी जल्दी मेरे को एकदम शॉर्टकट रास्ते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लकड़ी ना पूरी जल गई तो दिक्कत हो जाएगी, और वहाँ तक जाते जाते आग ना बुझ जाए। ओके गाइस सब हो गया, फटाफट चलते हैं, लकड़ी भी पूरी की पूरी जली हुई है, और मैं सीधा उस पार जाता हूँ भाई। एक मिनट रुक जाओ, सीधा मास्क के पास ही पहुंचेंगे एकदम, और लकड़ी बुझने वाली है। बुझियो मत, इसके अंदर कैसे आग लगेगी, जल्दी से। ओ गाइस आग लगा दी मैंने, बलून पूरा का पूरा फूल चुका है, और यहाँ पर उड़ रहा है। बच्चों को कैसे बिठाएंगे अंदर? उठो भाई, उठो, देर नहीं कर रही है अभी, जल्दी करो गाइस। कंप्लीट हो गया भाई अपना पूरा का पूरा, आप देख पा रहे हो भाई बलून जो यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है अभी हम बलून एस्केप कर सकते हैं। सारे बच्चे उठ गए हैं, अब ये लोग अपना जा रहे हैं। और भाई साहब ये वो बच्चा है जिसने अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है बलून को बनाने में, तो थैंक यू मेरे भाई। भाई साहब कैसी सी हालत हो चुकी है, और मेरे को लग रहा है ना ये कम हिप्नोटाइज था, इसके मतलब मत्थे वत्थे में देखो एकदम ताला वाला बांध रखा है भाई। भाई सारे बच्चों की बहुत ही बुरी हालत होगी, और इस बच्ची को अभी भी मतलब इसके पास दिमाग कम है ना। लेकर चलते हैं भाई, चल 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 चल
चलो गाइस ओके। तो ये कह रहा था कि एक एक चाइल्ड अभी भी मिस है, तो वो हम ही थे भाई। मतलब कि ऐसे ऐसे बोल रहे, डायरेक्ट बोलना आ चलो अब मैं बोल रहा हूँ चलो, तो ये कह रहा नहीं यार अभी एक चाइल्ड मिस है भाई, वो मैं खुद ही था। ओके तो नन अब कैसे आ गई इधर? अच्छा अब वो पूरा वैन वैन साइड वाइड करके आई है शायद। चल बेटा निकल पहली फुर्सत में भाई, मतलब कि इसके दांत मत देखो भाई साहब। इसी के साथ गाइस यहाँ पर हमने बलून एस्केप भी कर लिया है, सारे बच्चों को बचा लिया गाइस। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक करना। और यहाँ पर एविलन का होता है एंड, ये सीरीज का लास्ट एपिसोड था और भाई सच्ची में मजा आ गया। अब जो सीधा ये वाला एपिसोड देखना है तो सीरीज को एक बार शुरू से देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग थी वाली, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड करके सारे बच्चों को बचा गए। लेकिन अगर वहीं पर हम एविलन को एक बार मार भी देते ना तो ज्यादा बेटर रहता। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एम करते हैं इस वीडियो पे 1 लाख लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो चलो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।